अभी Amazon Prime पे क्रैश कोर्स रिलीज हुआ है मेरा, सो गाइस प्लीज गो एंड वॉच दैट एज वेल। क्या कैरेक्टर है उसमें आपका?
मेरा उसमें अविरल भारती का कैरेक्टर है. सो इट्स अ शो बेस्ड ऑन फोर स्टूडेंट्स. सो आई एम वन ऑफ द फोर स्टूडेंट एंड उनके लाइफ में द कॉलेज इंस्टीट्यूशन एंड एवरीथिंग, उनका राइवलरी उनको कैसे अफेक्ट करता है वो है. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. सो इफ यू गेट टाइम गो एंड गिव इट अ शॉट. अपकमिंग प्रोजेक्ट जस्ट अभी लाइक दिस मंथ ही आई गॉट माई क्रैश कोर्स रिलीज. तो मेरा पूरा लास्ट ईयर क्रैश कोर्स में था. होपफुली रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा है. दिस इज द फिफ्थ वीक एंड स्टिल वी आर इन द टॉप 5 शोज ऑफ इंडिया राइट नाउ. सो व्हाई नॉट सीजन 2 सीजन 2 ऑफ क्रैश कोर्स. सो दैट इज व्हाट आई एम गिविंग. सोशल मीडिया ओके. सो ये जो एक मीडिया के बाद ये जो एक मिथ है वो मैं अभी क्लियर करना चाहूँगा. आपने जितनों को भी देखा सोशल मीडिया पे फेमस हुए, थोड़ी सी मेहनत करके फेमस नहीं हुए. आपको लग रहा है कि उनके उन्होंने बस खड़े रह के लिपसिंक किया है, खड़े रह के डांस किया, बट उसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है टू टेक द कैमरा, उसके सामने आओ, उसके सामने इतना कॉन्फिडेंस से कुछ परफॉर्म करो एंड डू इट कंसिस्टेंटली. कंसिस्टेंटली जब वो करते हैं तब जाके उतना फेम जो लोग जहाँ पे है अभी वो डिजर्व करते हैं. तो थोड़ी मदद नहीं, बहुत मदद है. इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स बहुत छोटे छोटे शहर से हर जगह से सब ऐसा उभर के आ रहे हैं. दैट इज अ वेरी गुड फॉर इंडिया, वेरी गुड फॉर वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू लाइक शो व्हाट वी हैव इनसाइड. I just want to say, please don't give up. Whatever you have in your mind, just do it. And there's this quote by Big Sean. You should not worry about whoever's next. You should worry about your mama worrying less. So I think that is what I believe in and everyone should. Thank you so much. एक सेकंड चालू रखो. चालू रखो, शूट करो. ओके, हाँ क्या बोल रहे हो? नर्वस एक तो साड़ी में ना चल रहा. वैसे आई लव साड़ी, यू नो, कभी कभी तो मौका मिलता पहनने का. नहीं नॉमिनेटेड, थोड़ी सी गलत फहमी, नॉमिनेटेड नहीं. आज मैं देखने आई हूँ एंड इस यू नो रंगीन समारोह को थोड़ा सा देखने आई हूँ, इन्जॉय करने आई हूँ. आई होप नेक्स्ट टाइम मैं भी नॉमिनेट हूँ, जीत जाऊँ अपने किरदारों से, अपने कामों से. सो या आई एम सो हैप्पी, दिस इज़ माई फर्स्ट एवर अवार्ड शो. मैं उसकी यू नो देखने आई हूँ. आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो नर्वस एट द सेम टाइम. आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम सो एक्साइटेड. यू नो आई थिंक सो इट्स अ वेरी यूथ स्टेप, आई विल से एप्रिसिएशन वाला स्टेप है. एंड आई फील सो गुड यार. यू नो ऐसे प्लेटफॉर्म से जिनमें आगे बढ़ने की यू नो वो मौका दे रहे हैं, हमें वो आगे बढ़ना है, वो पहचान दे रहे. सो आई थिंक इट्स गुड यार, इट्स वेरी गुड, एप्रिशिएबल.
I'm super excited. I'm so happy and so nervous. But looking forward to enjoy this event, looking forward to meet new people, and I am so happy. So happy. Yes. Hanji, Hanji, Hanji. मैं वही कह रही हूँ ना कि बिकॉज OTT ऐसे प्लेटफॉर्म्स आने के कारण ना बहुत लोगों को मौका मिल रहा, बहुत लोग के टैलेंट जो दबे पड़े थे काफ़ी वक्त से, अब वो आ सक रहे हैं. डेफिनेटली देर इज अ कॉम्पिटिशन, बट देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज नाउ, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है. सो लोग आ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, अब वो कॉम्पिटिशन अच्छे लेवल का आ रहा है, मौका मिल रहा है. I'll say this struggle thing ना, ये तो करना ही होता है. I mean, struggle मैं नहीं कहूँगी, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको करना ही. मैं अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ, इफ आई वॉन्ट टू सक्सीड देन आई शुड वर्क हार्ड. आई विल नॉट कंसिडर दिस एज अ स्ट्रगल. आई विल नॉट कंसिडर दिस पार्ट एज स्ट्रगल. स्ट्रगल ये हार्ड वर्क, ये मेरी मेहनत है, ये मेरा पाथ है, ये मेरा रास्ता है. सो जो कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो बस हार ना माने. अपने स्किल्स क्राफ्ट में ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट लाओ, कुछ सीखो, जितना आप लोगों से मिल सकते हो, जितना नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो, प्लीज़ करो. और लर्निंग से ना कभी छुपो मत, कभी पीछे मत हटो. नहीं पता ना तुरंत बोलो कि भाई मुझे ये नहीं पता, आई डोंट नो दिस, करेक्ट मी और लेट मी नो. बहुत लोग झिझक जाते हैं यार कि अगर मैं नहीं बोलूँगा या बोलूँगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे. ऐसा कुछ नहीं होता है, जिनको उड़ाना है उड़ाए, आप बस अच्छे से रहो. दैट्स द थिंग आई वांट टू से. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू. यस यस यस. मजा मैम, माँ को इंट्रोड्यूस करूँ? एग्जॉस्टेड फ्रॉम लंदन दिस मॉर्निंग. आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे अवार्ड मिला है. सॉरी फॉर थर्ड ट्रैक राइजिंग स्टार, इट्स वेरी नाइस टू रिसीव एन अवार्ड. बहुत खुशी हुई कि मम्मी मेरे साथ में, हम सब हम लंदन से अभी आया है, सुबह आया हम दोनों. एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि ये अवार्ड मिला है मम्मी के साथ, मम्मी साथ में थी मेरी. आई एम जस्ट हैप्पी दैट लोग अप्रिशिएट करते हैं हमारा हार्ड वर्क. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच. यू हैप्पी फॉर एन अवार्ड? इतना शाय नहीं है, बहुत बोलती बस कैमरे के सामने शाय है. शी इज वेरी हैप्पी, शी बेटर बी हैप्पी. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस. So I always think that never give up on your dreams. I think the people who feel that they're not being seen by the public, I think they have a chance to also be seen. I think talent always speaks for itself. It's not about who you are, where you're from, kya backing hai, kya kisko jaante ho industry mein, aise nahi. I think it's about your talent, your hard work. And if you have talent, you have hard work, and you persist at it, ab aage hi jao. Koi aapko rok nahi sakta. So I think that I understand the pain, I understand the struggle also. I know it's tough, very tough to survive in this industry and be known in this industry, but I think with hard work, positivity and a positive mindset, aage hi jaoge. And your talent speaks for itself. So I think I'm sure people are trying to get there, will get there eventually, and just persist and keep their hard work going. So what do you want to say about Talent Track Award? I think Talent Track Award is very good because it highlights people's talents. That sometimes normal people coming into the industry and working hard, and talent track recognizes those people, which is a very big thing for our industry. So mujhe bahut acha laga ki ek ek brand hai, company hai, jo bol sakte ki talent track hai, jo un logon ko hum leke aate hai, usko promote bhi karte hai. So very happy about that. How was the evening, sir? Evening was fab. I was waiting for Faizu, but he's late as always, to main abhi ja raha hu. Thank you so much. I think I'm just so happy कि Big Boss के जर्नी में खतरे खिलाड़ी जब भी मैंने किया है. आई थिंक जो लोग मुझे देखते हैं स्क्रीन पे वो हंसते हैं, जो लोग आते हैं रस्ते पे राजीव इतना अच्छा लगता आपको देख के, इतना अच्छा लगता आपको देख के. आई थिंक दैट इज अ ट्रॉफी फॉर मी इन सेल्फ, जो लोग पसंद करते हैं मुझे. आई एम सो हैप्पी कि आई माई जॉब इज मेक पीपल लाफ, एंड आई एम हैप्पी पीपल आर जेलिंग विद मी, लाइक दे लविंग यू ऑन स्क्रीन, एंड देयर इज नो बिगर बॉस इन दैट. हाँ,
मैंने आई कैन गो टू अ हाउस इन फोर्चुन लंडन में था, मेरे घर में पापा रखा था मैंने, मेरी मम सबसे बड़ी गणपति भक्त है, मेरे घर में 100 या 150 गणपति है, मूर्ति इतनी बड़ी बड़ी लंडन में। तो आई थिंक पापा को मैंने यही मांगा, बस शांति दो, उसके पेड़ के पास रखो, बट कीप यू ऑलवेज ब्लेस्ड बाय हिज फीट एंड बस पीस फॉर द वर्ल्ड, दैट्स इट। Something coming up very special which I can't talk about, but aap dekh lijiye, very very soon kuch announce karne wale hain. आप लोगों को लगा शायद कि मैं जल्दी निकल जाऊंगा शो से, कि सबको लगा था राजीव एक दो हफ्ते में निकल जाएगा, पर अभी तक शो में टिका हूँ, तो मतलब बहुत ओवर में टक्कर मार गए शो में, एंड आई थिंक यू नो आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विद फेज़ 1 जन्नत, आई थिंक फैंटास्टिक। And genuinely, I think Jannat and Faisal really surprised me. I think those are two of the best plays in the show. Everyone's good. I'm also good. Abhi tak itna pahuncha hu main, but Faisal and Jannat surprised me for sure. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Hi sir, what's the feeling you got the award? Fantastic. It's a great feeling. The lineup was very strong. I didn't think. बट वही कहते हैं कभी कभी हम जो नहीं सोचते वो हो जाता है, सो थैंक यू एंड लाइक आई ऑलवेज से माई फैंस माई ऑडियंस द बिगेस्ट थैंक यू इज टू यू गाइज बिकॉज यू आर आई एम थैंक यू टैलेंट ट्रैक के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना नाता है एक्चुअली, बिकॉज द ऑर्गेनाइजर हिमसेल्फ इज़ माय गुड फ्रेंड संकेत बांदेकर, एंड आई हैव बीन कमिंग टू टैलेंट ट्रैक अवार्ड्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम फ्रॉम देयर फर्स्ट अवार्ड्स एंड फ्रॉम देयर वेरी फर्स्ट अवार्ड्स टैलेंट ट्रैक, सो या आई नो द ओकेजन एंड ऑल दैट थिंग, बट टुडे द वेदर वॉज लाइक नॉट अनफेवरेबल टू अस, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन गॉट लेड यार। अभी तो हम लोग कुछ ना कुछ तो हम लोग किसी ना किसी ओकेजन में तो हमारा मिलना हो ही जाता है, सो आई थिंक लोगों को हमारी जोड़ी बहुत पसंद है, तो एक वो भाई भाई वाला एक फील आ जाता है। द ब्रो कोड इज देयर राइट, देयर इज ऑलवेज अ ब्रो कोड। बहुत ज्यादा वी मिस अ लॉट, आई थिंक हमें फैंस हमें मिस करने देते नहीं है, या वी दे कीप रिमाइंडिंग अस, एंड अभी तो उन्होंने नया कर दिया कि दे रीवॉचिंग द जिद्दी दिल मानेना एपिसोड्स, यू नो वी डेली एक्चुअली हमें ऐसे वो हमें मिस ही नहीं करने देते, हमें ऐसा लगता है कि हम डेली हमारा शो देख रहे हैं थ्रू द मीडियम ऑफ द डीएम्स, थ्रू द मीडियम ऑफ स्टोरीज एंड ऑल दैट थिंग, एंड दे कीप एक्चुअली यू नो पोकिंग अस दैट वी वांट सीजन 2, या सो डू वी, हमें भी चाहिए सीजन 2, बट इट्स ऑल अप टू द चैनल एंड द प्रोडक्शन टीम, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट राइट, या या श्योर श्योर, थैंक यू। हाय हेलो हाउ आर यू, अरे हाय 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 हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम, आप वहाँ पे भी आने वाले थे राइट,
वो एक फोटो लेना हमारा। अच्छा लास्ट 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 क्या क्या आई कांट हियर यू आई कांट हियर यू ही सेइंग टैलेंट ट्रैक डिजिटल पोर्टल को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। आई थिंक टैलेंट ट्रैक का मेन मुद्दा यही था कि दे स्टार्टेड एक्चुअली यू नो कम अप विद दिस आइडिया दैट दे विल सपोर्ट द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड नॉट जस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एक्टर्स टू बिकॉज आई पर्सनली आई एम आई लाइक टेकन द सब्सक्रिप्शन ऑफ टैलेंट ट्रैक एंड दे आर हेल्पिंग एक्टर्स टू एब्सोल्युटली या उनका ये मानना है कि आज नए टैलेंट जो आ रहे हैं सो दैट्स द नेम ऑफ देयर ब्रांड टैलेंट ट्रैक उस नए टैलेंट को किस तरीके से हम लोगों तक पहुंचा सके एक्चुअली दे आर गिविंग टैलेंट ट्रैक Yeah, that yeah. is they are giving them the track, yeah. and that's how they are actually like you know showing them, showcasing them, कि जो नए talents हैं, जो उभरते हुए कलाकार हैं, उन्हें जो मौका नहीं मिल रहा है, जो उन्हें उनको उनके काम के लिए उनके you know प्रेरित नहीं कर रहे, awards नहीं मिल रहे, so they have come up with this. They actually took the initiative way back. Yeah, I'll tell you this thing happened in the year 2017. If I'm not wrong. Lockdown happened, right? No, lockdown happened after, in 2020. After that, right? After few years also, but yeah. They took this initiative in the year 2017. So. Thank you so very much for giving your time. Thank you. Yeah, excited to be here and I mean it's a great honor and yeah I'm looking forward to seeing all my friends from the industry today and I wish all the nominees the best of luck. What is it you want to say about the whole thing? Thank you. I'm repping Adidas today. Yes sir, what is your comment? It's so matching, so perfectly timed. Thank you so much. Thank you. I think that you know in our industry we have to dress well all the time, so it's nice to be appreciated. So Talent Track is taking a good initiative by how are they doing digital content or to felicitate what do you want to say about that? I think it's a good platform. I think jitne sare platforms aayenge mere jaise digital content creators ko aur matlab encouragement milega and I think it's great. We have one more great platform to fall back on. Thank you. Hi. It was
the first time here, so. It was good. It is very lively and we had fun. This is our first time, so we were enjoying it. You say no. it's going. he will only say no. I want to hear from him. It is very good. I don't know. We really understand each other and no complaints yet. Lot of complaints. I mean there are, but it's going there. Because there were no phones, so honestly it was very unexpected and we didn't plan it, we didn't think of it, it happened and we were going with the flow and it happened. Exactly, and we are still. Thank you guys, thank you. Thank you. यहाँ रख दूँ मैं मुझे बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिला है पॉपुलर फेस थैंक यू सो मच और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली टैलेंट ट्रैक की तरफ से और सबसे बड़ा थैंक्स रहेगा मेरी क्यूकी को जो मेरी टीम है हमेशा से मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है और मेरे लिए हमेशा से वो स्टैंड करते हैं जहाँ पे भी हो जैसी सिचुएशन हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी वजह से मुझे इतना अच्छा अवार्ड मिला है और इंशाल्लाह आगे चल के और भी बड़े बड़े अवार्ड्स मिलेंगे तो मैं सबसे बड़ा थैंक्स कहूँगा क्यूकी डिजिटल मीडिया को और समीर गोखले को सागर गोखले को मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है और हमेशा से मतलब यही था कि मैं जो कुछ भी करूं बस ऐसा करूं कि मतलब लोग मुझे पसंद करें और हमेशा से मेरी यही चीज़ थी और मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कोई भी चीज़ में अगर मैं चाहता हूं तो बस मुझे लोग प्यार करें हेट ना करें और मैंने वो पूरी कोशिश किया और पूरी जी जान लगा दिया उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह आगे भी बहुत बड़ी बड़ी जगह जाना है तो मैं यही कहूँगा कि मेरा सबसे बड़ा थैंक्स मेरी कंपनी को रहेगा क्यूकी डिजिटल मीडिया आज उनके वजह से मुझे ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो थैंक यू सो मच क्यूकी हाय एवरीवन वी डेफिनेटली अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ करिश्मा एंड ऑल द नेटवर्किंग दैट इज गोइंग अराउंड एंड वी डेफिनेटली रिस्पेक्ट एंड अडोर दैट मैं बहुत खुश हूँ कि चैलेंज ट्रैक इज ऑल अबाउट सपोर्टिंग द आर्टिस्ट मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं खतरों के खिलाड़ी में और मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा वहाँ पे बस अच्छी बात है ये और जैसे कि आप देख ही रहे हो शो के मैं 18th एपिसोड पे निकल गया था फिर उसके बाद में मुझे बहुत सारे फैंस लोग के मैसेजेस और कमेंट्स आने लगे कि मतलब फेसबुक क्या ये सच है ये ऐसा हो रहा है मुझे उस वक्त बहुत आ रहा था मेरे दिल में कि मतलब मैं उन्हें बताऊँ कि मैं नहीं निकला हूँ मैं शायद वापस आऊँगा बट जो होता है अच्छे के लिए होता है उससे मुझे पता चला कि लोगों का कितना प्यार है मुझमें और वो एक दिन के बाद जब मैं वापस आया तो इतना प्यार बरसा है लोगों का मुझ पर और वो इतना ज़्यादा खुश थे ऐसे ऐसे बड़े बड़े मैसेजेस इतने कमेंट्स ट्विटर पे ट्रेंड तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं मेरे फैंस लोग को यही कहूँगा कि आप लोग ने हमेशा मुझे बुरे वक्त में भी अच्छे वक्त में भी साथ दिया है और मैं यही कहूँगा कि गाइस आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हूँ आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहो और सपोर्ट करते रहो मैं इंशाल्लाह बहुत सारी जगह जाऊँगा और बहुत बड़ा बड़ा नाम कमाऊँगा सिर्फ आप लोग के बदौलत झलक में देखो मैं एक नॉन डांसर हूँ और मैं अपना 100% नहीं 200% नहीं 500% पुश कर रहा हूँ क्योंकि एक नॉन डांसर के लिए बहुत मुश्किल होता है एक इतने बड़े स्टेज पे इतने बड़े मंच पे जाके एक हफ्ते भर में आप प्रैक्टिस कर रहे हो 12-12 घंटा और आपकी वो जो रिज़ल्ट है वो दो मिनट में आपको पूरा रिज़ल्ट आपका आ जाएगा तो वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए बट फर्स्ट एपिसोड और सेकेंड एपिसोड आने के बाद में मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं अच्छा कर सकता हूँ जजेस के जैसे आप देख रहे हो कि उनके भी जो रिवर्ट आ रहे हैं उनके मेरा जो परफॉर्म देखने के बाद में उनका परफॉर्मेंस देखने के बाद में जो उनका फीडबैक आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है बहुत पॉजिटिव आ रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके लिए भी और बस
होप फॉर द बेस्ट. मैं बस यही दुआ करता हूँ कि बस मैं जो भी जगह जाऊँ, जैसी भी जगह जाऊँ, मैं अपना 100% दूंगा और मेरे फैन लोग का हमेशा से इतना प्यार सपोर्ट रहता ही है, तो जो है सब देख लूँगा. थैंक यू सो फॉर वॉचिंग मी. Yeah, I need to get